नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि बुजुर्गों के बारे में बात करने वाले हैं, ओल्डर पीपल के बारे में बात करने वाले हैं और एक सवाल उठाने वाले हैं, क्या विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पे हमें एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है फॉर द एजिंग वर्ल्ड, यानी कि 60 प्लस या फिर 65 प्लस जो पॉपुलेशन है उनके लिए क्या कोई स्पेसिफिक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी होनी चाहिए, इसके ऊपर हमारी एनालिसिस चली। अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और एक और सवाल भी उठाएंगे, अगर अभी फिलहाल यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये भी हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। तो अभी तक आपको ये ऑलरेडी अनुमान लग गया होगा कि ये एक सजेस्टिव डिस्कशन होने वाली है, एक एडवाइजरी डिस्कशन होने वाली है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी आपके लिए चर्चा बन जाएगी, क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन और उनकी तरफ जो पॉलिसी होनी चाहिए, उनकी तरफ जो प्रोविजंस होने चाहिए, इसके ऊपर कभी भी मेंस में सवाल आ सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या फिर स्टेट पीएससी हो, उसमें ओल्ड एज पॉलिसी जो होती है उसके प्रति आप ये सजेशन दे सकते हो कि वी नीड अ यूनाइटेड नेशंस और अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस स्पेसिफिकली फॉर ओल्डर पीपल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एनालिसिस जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आई रिक्वेस्ट यू टू विजिट studyiq.com और डाउनलोड आर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी बॉडीज जैसे कि यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यानी बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक फंड है, बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा यूनिसेफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरे विश्व में। अगर हम लोग बात करें IMR की, राइट, इन्फैंट मॉर्टेलिटी की रेट की, तो ये कम से कम 70% कम हुआ है आज पूरे विश्व में जब से यूनिसेफ बना है। तो इनका योगदान काफी अच्छा रहा है टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा हम लोग के पास बहुत सारे दूसरे यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज, जैसे यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बहुत से डायमेंशंस में यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस बनी है। ILO तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो लीग ऑफ नेशंस से बनी हुई है, यानी कि लेबर के पर्सपेक्टिव से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तो सवाल ये उठता है एल्डरली पीपल के लिए कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बॉडी अभी तक क्यों नहीं बनी। अब आप मुझसे ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सर जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एल्डरली की भी बात कर सकते हैं, अगर रेफ्यूजी की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे भी एल्डरली की बात कर सकते हैं, बुजुर्गों की बात कर ही सकते हैं, अगर पॉपुलेशन फंड की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग एल्डरली की बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रहेगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि हमें एक स्पेसिफिक बॉडी की जरूरत है स्पेशली फॉर एल्डरली पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन काफी ज्यादा स्तर पे बढ़ रही है, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल, प्रोपोर्शन ऑफ एज्ड पीपल, इट इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसीलिए आई एम आर्ग्यूइंग कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी या फिर एक ग्लोबल बॉडी बनानी चाहिए जरूर। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बहुत सारी बॉडीज के बारे में बताया, यूनिसेफ के बारे में बताया, ILO, UNHCR, बहुत सारी बॉडीज, तो हम लोगों ने जब ये बॉडीज बनी थी तो क्या हमारे दिमाग में नहीं आया कि हम लोग एक एल्डरली लोगों के लिए भी बॉडी बनाए? देखिए जरूर ये सवाल बनता है कि why there is no United Nations body for elderly as of now, क्योंकि अगर आप क्लोजली देखें United Nations कब बना था, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रैक्शन आया, मैं कहूँगा 1940s से शुरुआत हुई, राइट, अटलांटिक चार्टर से, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बने, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बने, बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हो गए। ऑल्दो इससे पहले ILO था, लेकिन मैं कहूँगा विश्व युद्ध दो के बाद जो शुरुआत हुई है यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल बॉडीज़ की। अब उस समय की अगर हम लोग सिचुएशन देखेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन देखेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो काफ़ी अलग था। क्यों? क्योंकि 1940s की अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समय एल्डरली पॉपुलेशन बहुत कम था। इनफैक्ट 1950 का अगर आप नंबर देखोगे तो 7 गुना ज़्यादा बच्चे थे इन कंपैरिजन टू पीपल एज्ड 65 एंड ओल्डर, यानी कि ये जो एजड पॉपुलेशन था ये माइनॉरिटी में था हम लोग कह सकते। तो मेजॉरिटी में वर्किंग पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन और बच्चों का जो नंबर था, बच्चों की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसके बाद और भी ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए परहैप्स एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी या फिर एक ग्लोबल बॉडी एल्डरली के लिए नहीं बनी क्योंकि उनके नंबर्स कम थे। लेकिन अगर हम लोग आज की बात करें, अगर हम लोग आगे की बात करें, फोरकास्ट करें,
तो एल्डरली पॉपुलेशन ऑलरेडी आज बहुत बढ़ चुका है। इनफैक्ट अगर हम लोग 2050 तक की बात करेंगे तो यंग पॉपुलेशन और जो एल्डरली पॉपुलेशन है, यानी कि बच्चों की पॉपुलेशन और जो बूढ़ों की पॉपुलेशन होगी, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। 1.5 बिलियन पीपल रहेंगे 65 एंड अबव। और अगर इस नंबर को हम लोग 1940s के नंबर के साथ देखें, 1950 के नंबर के साथ देखें, तो ये और नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। यानी कि उस समय पे अप्रॉक्सीमेटली 0.75 बिलियन ओल्डर एज पीपल थे, अभी वो डबल हो चुका है नंबर। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि एल्डरली पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। अब इसका एक ये क्यों हो रहा है, इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ चुकी है। लेकिन इन सब से जुड़ा हुआ एक और प्रॉब्लम भी आ चुका है। अगर हम लोग आज की बात करें, 2020-2021 की बात करें, जिसमें हम लोग गुजर रहे हैं एक बहुत ही भीषण कोविड पैंडेमिक से। अब इस पैंडेमिक के चलते भी हम लोग देख सकते हैं कि एजड पॉपुलेशन के लिए एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक सवाल हमेशा उठता है कोविड-19 के चलते, कोविड-19 की वजह से कौन ससेप्टेबल है? इज इट जस्ट द ओल्ड एज पॉपुलेशन और इज इट द अदर पॉपुलेशन ऑल्सो, यानी कि यंग पॉपुलेशन ऑल्सो? अब इसका जवाब तो होगा कि एवरीबॉडी इज ससेप्टेबल टू कोविड-19। लेकिन अगर आप मोर्टैलिटी रेट देखें, डेथ रेट देखें, वो ओल्ड एज पीपल में ज्यादा है। पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, पीपल विद हेल्थ इश्यूज, उनमें डेथ रेट काफी ज्यादा है। तो इसीलिए सबसे बड़ा खतरा कोविड-19 से भी बुजुर्गों के लिए है। आप आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूवर्स ने ये जरूर सोचा होगा, यार मेरे को तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यंग हूं, लेकिन मेरे माता पिता को कोविड नहीं होना चाहिए। ये आपने जरूर सोचा होगा, राइट? इजन इट? एंड इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। अब इसी के चलते भी हमें एक यूनाइटेड नेशंस या फिर एक ग्लोबल बॉडी की जरूरत है फॉर एल्डरली पीपल, क्योंकि अगर अभी होती तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए वो देशों को मदद करती, स्पेसिफिकली फॉर एल्डरली पीपल, वैक्सीनेशन ड्राइव में मदद करती। स्पेशली मैं कहूँगा जहाँ पे वैक्सीन इनइक्वालिटी है, फॉर इंस्टेंस अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में एल्डरली पॉपुलेशन को स्पेसिफिकली भी वैक्सीन की जरूरत है। तो अगर एक यूएन बॉडी होती, एक ग्लोबल बॉडी होती, तो वो स्पेसिफिकली फॉर एल्डरली वैक्सीन भेजते, इजंट इट? तो ये सारे प्रोविजन जरूर होते। ये तो हो गई पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव से बात, कोविड के परस्पेक्टिव से बात। बट इन जनरल अगर हम लोग एक और चीज देखें, वर्ल्ड मीडियन एज देखें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन तो बहुत स्तर पे बढ़ रही है, एल्डरली पॉपुलेशन। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी क्लोजर लुक देखें, तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी पॉपुलेशन काफी यंग है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा बुजुर्ग नहीं मिलेंगे। जो भी बुजुर्ग है वहां पे वो नंबर कम है, और यंग चिल्ड्रन, यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। इंडिया भी हम लोग बात करें तो इंडिया में भी एवरेज एज आज मैं कहूंगा कि अराउंड 30 है, तो इंडिया भी काफी यंग है। इनफैक्ट साउथ अमेरिका में बहुत से डेवलपिंग नेशंस में कहूंगा या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर आपको यंग पॉपुलेशन मिलेगी। और एल्डरली पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी? यू फाइंड 45+, 40+ मीडियम एज है, तो ये आपको मिलेगी डेवलप कंट्रीज में। आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, कैनेडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, रशिया, एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट आई वुड से हैज अ मेजॉरिटी एल्डरली पॉपुलेशन। जापान की बात कीजिए, इवन चाइना का भी जो पॉपुलेशन है, एज है, वो इंक्रीज हो रहा है। उन्होंने भी अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी रिवर्स कर दी है। अब ये मैप देखकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, इनफैक्ट यही एक प्रॉब्लम है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी बनी नहीं। एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वाई शुड आई बॉदर अबाउट एल्डरली? इसके दो पहलू। अब एक तो पहलू अपने मैप से देखा होगा कि इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड नेशंस, नॉट आर प्रॉब्लम, इज़न्ट इट? आपने ये जरूर सोचा होगा कि यार डेवलप्ड नेशंस में बहुत ज्यादा बुजुर्गों की पॉपुलेशन है, तो उन लोगों को कुछ करना चाहिए, हमें तो अभी फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं। एक तो उस मैप से आपने सोचा होगा। दूसरा ये होता है, नॉर्मली एल्डरली पीपल क्यों इग्नोर हो जाते हैं? क्योंकि प्रोडक्टिव एज में नहीं होते, और जो यंग पीपल है जो प्रोडक्टिव एज में, वो सोचते हैं कि यार एल्डरली पे अगर हम लोग स्पेंड करेंगे, एल्डरली के ऊपर रिसोर्सेज डालेंगे, तो इट वुड बी रादर वेस्ट बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट प्रोडक्टिव। लेकिन इन दोनों ही आइडियाज में बहुत बड़ा फ्लॉ है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग इस तरह की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जहां पे एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर रिसोर्सेज डालने की जरूरत नहीं है, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि आज आप यंग है, कल आप भी वही एल्डरली पॉपुलेशन बनेंगे। और अगर आज आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आज हम लोग एक बॉडी नहीं बनाएंगे, तो आगे चल के हमें भी वही नुकसान होगा। प्लीज इस चीज को समझिए, एथिकली मॉरली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट हम लोग बहुत सी चीजों पर एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर इंस्टेंस हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, राइट? पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
तो हम लोग क्या कहते हैं कि इससे हमें फाइट करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि एक इंटरजनरेशनल पैरिटी होनी चाहिए। इंटरजनरेशनल पैरिटी का मतलब क्या है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम लोग साफ सुथरा अर्थ, साफ सुथरा एनवायरनमेंट छोड़ेंगे, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं पोल्यूशन के साथ, हमारे लिए भी, यानी कि हमारे लिए भी साफ सुथरा हो लेकिन आगे वाली जनरेशन को तकलीफ ना हो इसके लिए। अगर इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम आज कितना भी लोन ले सकते हैं और उसका भुगतान किसे करना पड़ेगा, अगली पीढ़ी को करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक इंटरजनरेशन पैरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग उतना ही डेट लें या फिर उतना ही लोन लें, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, उतना ही लोन लें जो आगे चल के हमारे बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर टैक्सेशन के रूप में ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, वी कैन एक्सप्लेन दैट इंटरजनरेशन पैरिटी, व्हाई कांट वी डू इट हियर, यानी कि एल्डरली पॉपुलेशन की अगर टेक केयर करनी है तो ये हमारी एथिकल मॉरल ड्यूटी बनती है। और यही आपका एक्सप्लेनेशन होगा इस पर्टिकुलर मैप के लिए भी। अगर आपने ये सवाल पूछा कि ये डेवलप्ड नेशंस की प्रॉब्लम है तो आप फिर से गलत है, क्योंकि आज आपको लग रहा है कि डेवलप्ड नेशन की प्रॉब्लम है लेकिन कल आपकी भी पॉपुलेशन एल्डरली बनेगी। इनफैक्ट अगर आप डेवलप्ड नेशंस की बात कीजिए, वो काफ़ी श्रूड है, वो काफ़ी चतुर है। देखिए, उनके पास ऑलरेडी पैसा है, उनके पास ऑलरेडी मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हुआ है, ऑल दो उनकी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके देश में से प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को ले जा रहे हैं, वही ब्रेन ड्रेन चल रहा है, राइट। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, नर्सेस कितनी ज़्यादा इंडिया से जाती है और बाहर काम करती है, दे आर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर एल्डरली इन द आउटर वर्ल्ड और इज अब्रॉड, कितनी कितनी मात्रा में हो रहा है, बहुत मात्रा में, और पर्टिकुलरली फ्रॉम केरला हम लोग जानते हैं कि मेनी नर्सेस आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि अगर आप कहोगे उनकी प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा नहीं, ये हम सब की प्रॉब्लम, क्योंकि आज उनकी प्रॉब्लम जो बनी है वो कल हमारी भी प्रॉब्लम बनेगी और हम सबको इस चीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि आगे चल के अगर आज एक बॉडी बनेगी, यूनाइटेड नेशंस बॉडी बनेगी, ग्लोबल बॉडी बनेगी, तो आगे चल के वो हमें ही मदद करेगी, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए फंडिंग आएगी, हमारे एल्डरली पॉपुलेशन के लिए और भी प्रोविजंस और बेटर मेजर्स हम लोग ला पाएंगे आगे चल। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी गुड थिंग कि एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन आना चाहिए फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर डेवलप्ड नेशंस। शायद उनको अगले 10 साल 20 सालों में फायदा मिलेगा लेकिन अगले 50 सालों में हमें फायदा मिलेगा, डेवलपिंग नेशंस को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब सवाल ये उठता है कि क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, ये एक आइडिया है हेल्प एज इंटरनेशनल, आई एम क्वाइट श्योर कि स्कूल में आप लोगों ने भी हेल्प एज इंडिया के साथ काम जरूर किया होगा, मैंने तो किया था स्कूल में। तो उनका एक आइडिया है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ ओल्डर पीपल आना चाहिए, परहैप्स इट्स टाइम फॉर अ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन शुरुआत में, जहां पे हम लोग एक्नॉलेज करें कि एल्डरली पीपल के लिए एक बॉडी की जरूरत है, एल्डरली पीपल के राइट्स की, राइट्स को मेंटेन करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी की जरूरत है। परहैप्स शुरुआत कर सकते हैं एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के साथ और आगे चल के एक बॉडी बना सकते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम फॉर ओल्डर पीपल, कुछ इस तरह की बॉडी, UNPOP, ऑन द लाइंस ऑफ यूनिसेफ, यानी कि जो चिल्ड्रंस का फंड है उसी के लाइंस में। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये कैसा आपका सजेशन है, ये कैसा आपने एडवाइस किया कि यूनिसेफ की तरह एक बॉडी बनाए जो बच्चों के लिए बॉडी बनी है। अगर आप क्लोजली देखोगे तो बच्चों में और बूढ़ों में, एल्डरली पीपल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों को भी उतनी ही केयर की जरूरत पड़ती है, राइट। बच्चों को भी केयर की जरूरत पड़ती है, बच्चों को भी डायपर्स की जरूरत पड़ती है, इवन अडल्ट्स को भी अडल्ट डायपर्स की जरूरत पड़ती है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि सिमिलर काइंड ऑफ बॉडी बने, बट ऑन द लाइंस ऑफ यूनिसेफ विथ अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर द ओल्डर पीपल। What do you think about this particular suggestion? In fact, इसको आप नोट कीजिएगा और examination में, answer writing में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। But do let me know your thoughts about this particular discussion in the comment section. Do we need a United Nations body for elderly people? Yes or no? And if you say yes, तो किस तरह की body बननी चाहिए, क्या suggestions हो सकती है, उस body के काम क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों को आप comment section में ज़रूर बताइए। That's it from my side. Thank you for watching this video. जय हिंद।